वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं फिजिक्स 11 चैप्टर नंबर 1 मेजरमेंट्स, जिसमें हम स्टडी करेंगे प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी। तो आइए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रिसीजन क्या है। तो आपको फिगर के अंदर कुछ जो हैं तस्वीरें नज़र आ रही हैं, जिसमें सबसे पहले आपको नज़र आ रहा है मीटर रॉड। इसके बाद नंबर 2 पे आप देखें तो आपको नज़र आ रहा है एक वर्नियर कैलिपर्स, और तीसरे नंबर पे आप देखें तो आपको एक डिवाइस नज़र आ रहा है जिसको हम स्क्रू गेज कहते हैं। तो अगर आपसे डायरेक्ट सवाल किया जाए कि इन तीनों इंस्ट्रूमेंट्स में से, यानी नंबर 1 जो स्केल आपके सामने नज़र आ रहा है, और नंबर 2 जो वर्नियर कैलिपर नज़र आ रहा है, और नंबर 3 जो स्क्रू गेज नज़र आ रहा है, इन तीनों डिवाइस में से किस की रीडिंग सबसे अच्छी होगी, सही होगी, तो आपका जवाब क्या होगा भला। तो आप बिना सोचे समझे ये जवाब देंगे कि इन सब में से बेहतरीन रीडिंग जो आएगी वो स्क्रू गेज की है। तो इसकी वजह क्या है? इसकी वजह दरअसल ये है कि अगर आप स्केल की बात करें, जो कि मीटर आर जिसको हम कहते हैं, तो इसका लीस्ट काउंट 1 मिलीमीटर है, जबकि जो वर्नियर कैलिपर्स है इसका लीस्ट काउंट 0.1 मिलीमीटर है, और जो स्क्रू गेज है इसका लीस्ट काउंट जो है वो 0.01 मिलीमीटर है। यानी जिस डिवाइस का लीस्ट काउंट जितना कम होता चला जाता है, उतनी ही उसकी प्रिसीजन ज़्यादा होती चली जाती है। इसलिए इन तीनों में से बेहतरीन डिवाइस जो सबसे ज़्यादा सही यानी प्रिसाइज रीडिंग लेगा, जिसकी प्रिसीजन सबसे ज़्यादा होगी, वो स्क्रू गेज है, जो कि उसका लीस्ट काउंट है। तो इससे ये पता चलता है हमें कि किसी भी मेजरमेंट की जो प्रिसीजन है वो डिटरमिन की जाती है उसके लीस्ट काउंट से, यानी उसका ताल्लुक डिवाइस के साथ होता है। तो हम इसको डिफाइन भी करेंगे कि व्हाट इज मीन बाई प्रिसीजन, जिसकी डेफिनेशन हम अभी थोड़ी देर में देते हैं। तो पहले हम देखते हैं कि प्रिसीजन और एक्यूरेसी का आपस में क्या ताल्लुक है। इसमें आपको एक डायग्राम नज़र आ रही है, जिसमें आपके सामने चंद सर्कल नज़र आ रहे हैं। तो इसमें हम पहले स्टार्ट करते हैं लेफ्ट साइड से। लेफ्ट साइड में सबसे ऊपर वाले कॉर्नर में देखें तो आपको सर्कल के अंदर कुछ पॉजिटिव यानी प्लस के निशान नज़र आ रहे हैं। तो ये हमारा असल टारगेट है। तो अगर हमारी जो रीडिंग्स हैं, जो वैल्यूज़ हैं, वो असल कीमत के करीब करीब आ रही हैं, तो ऐसी मेजरमेंट को हम कहते हैं कि ये एक्यूरेट मेजरमेंट है, यानी इसकी एक्यूरेसी जो है बहुत ज़्यादा होती है। दूसरी बात कि अगर हमारी वैल्यूज जो हैं आपस में करीब करीब आ रही हैं, यानी असल रिज़ल्ट के भी करीब हैं और आपस में भी करीब करीब हैं, तो इसकी प्रिसीजन भी सबसे ज़्यादा है। तो इस सर्कल के अंदर जो वैल्यूज नज़र आ रही हैं, ये आप ऊपर देखेंगे इसके ऊपर लिखा हाई प्रिसीजन और इधर लिखा हुआ हाई एक्यूरेसी। तो ऐसी वैल्यूज़ जो आपस में भी करीब हों और असल जो हमारी कीमत है या असल एक्चुअल वैल्यू जो है उसके भी करीब करीब हों, तो इसको हम कहते हैं इसकी प्रिसीजन भी ज़्यादा है और इसकी एक्यूरेसी भी ज़्यादा है। अब हम सामने वाले फिगर में इसमें ज़रा गौर करें, तो यहाँ आपको नज़र आ रहा है कि ये हमारा टारगेट पॉइंट था, यानी असल कीमत थी, और ये वैल्यू जो हैं ये इसके करीब करीब आ रही हैं, तो इसकी एक्यूरेसी तो ज़्यादा है, यानी ये असल टारगेट के करीब हैं वैल्यूज, लेकिन ये आपस में वैल्यूज करीब नहीं हैं, आपस में इनकी वैल्यू डिफरेंट है। तो इस मेजरमेंट की एक्यूरेसी तो हाई है, लेकिन इसकी प्रिसीजन लो हो चुकी है। जबकि तीसरे सर्कल में आप देखें, यहाँ पर जो डिफरेंट वैल्यूज़ आपको नज़र आ रही हैं, ये असल टारगेट से बहुत दूर चली गई हैं, यानी असल वैल्यू से हट गई हैं, तो इसकी एक्यूरेसी जो है वो लो हो जाएगी, यानी ये मेजरमेंट जो है लेस एक्यूरेट समझी जाएगी। जबकि इस सर्कल में देखें, यहाँ जो हमारे रिजल्ट्स आ रहे हैं वो ना तो असल वैल्यू के करीब हैं और ना ही आपस में करीब करीब हैं, लिहाजा ऐसी मेजरमेंट जिसमें ना तो वैल्यू आपस में करीब हों और ना ही असल रिज़ल्ट के करीब हों, तो इसको हम कहते हैं लेस प्रिसाइज आर लेस एक्यूरेट या इम प्रिसाइज आर इन एक्यूरेट मेजरमेंट, इसको हम कहा जाता कहते हैं। तो आइए अब हम इसको एग्जांपल्स की मदद से और डेफिनेशन से इसको कैसे करेंगे तो उसको एक्सप्लेन करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रिसीजन क्या है। द प्रिसीजन ऑफ मेजरमेंट
इज डिटर्मिन्ड बाई द डिवाइस। जैसा कि आपने पिछली स्लाइड शुरू वाली स्लाइड में देखा कि हमने वहाँ पर तीन इंस्ट्रूमेंट बनाए हुए थे, जिनमें एक हमारे पास मीटर रॉड था, एक स्क्रू गेज था और एक वर्नियर कैलिपर था। तो उन तीनों में सबसे ज़्यादा प्रिसीजन जो थी वो स्क्रू गेज की थी। प्रिसीजन जो है ये किस तरह काम ज़्यादा होती है या इसको हम किस तरह हम स्टडी करेंगे, तो प्रिसीजन जो है इसको आमतौर पर लीस्ट काउंट से मेजर किया जाता है, जिसको एब्सोल्यूट अनस्टेंडी भी कहते हैं। अगर किसी रीडिंग की किसी मेजरमेंट का लीस्ट काउंट या किसी डिवाइस का लीस्ट काउंट कम होगा तो उसकी एब्सोल्यूट अनस्टेंडी कम होगी, तो उसकी प्रिसीजन ज़्यादा होती जाएगी। जबकि डेसिमल प्लेसेस जो हैं इनकी मदद से हम मेजर करते हैं, इसका अंदाज़ा लगाते हैं। यानी तो हम देख रहे थे कि जो डेसिमल प्लेसेस हैं इनकी तादाद ज़्यादा होने पर प्रिसीजन भी ज़्यादा हो जाएगी। यानी अगर किसी रीडिंग के अंदर डेसिमल प्लेसेस ज़्यादा आ रही हैं तो हमारे पास वो मेजरमेंट ज़्यादा प्रिसाइज होगी, उसकी प्रिसीजन ज़्यादा हो जाएगी। अब हम देखते हैं कि व्हाट इज एक्यूरेसी। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट डिपेंड्स ऑन द फ्रैक्शनल आर परसेंटेज अनसर्टेनिटी। फ्रैक्शनल या परसेंटेज अनसर्टेनिटी जो है इसको अभी हम देखते हैं, इसका फार्मूला पढ़ेंगे। तो पहले देखते हैं कि जैसे प्रिसीजन जो है वो किन किन चीज़ों पर डिपेंड करती है, तो एक्यूरेसी किन पर डिपेंड करती है। तो एक्यूरेसी जो है इसको परसेंटेज फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी से मेजर किया जाता है या परसेंटेज फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी से मेजर करते हैं। तो ये दोनों कीमतें यानी पर फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी या परसेंटेज फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी जितने कम होते जाएंगे उतनी ही एक्यूरेसी ज़्यादा होती जाएगी। जबकि एक्यूरेट मेजरमेंट का हम डायरेक्ट अंदाज़ा कैसे करेंगे, तो सिग्निफिकेंट फिगर की तादाद से किया जाएगा। अगर किसी मेजरमेंट के अंदर सिग्निफिकेंट फिगर की तादाद ज़्यादा होगी तो उस मेजरमेंट की एक्यूरेसी भी ज़्यादा होगी। आइए अब हम देखते हैं कि परसेंटेज फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी को डिटरमिन कैसे करते हैं। तो इसका जनरल रिलेशन जो है परसेंटेज फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी जो है ये मेजर की जाती है, लीस्ट काउंट को डिवाइड किया जाता है मेजर्ड वैल्यू से और मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से। यानी परसेंटेज फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी इज डिटरमिन्ड बाई डिवाइडिंग द लीस्ट काउंट बाई मेजर्ड वैल्यू और मल्टीप्लाई बाई 100। तो अब हम एग्जाम्पल्स की मदद से इसको एक्सप्लेन करते हैं। फिगर के अंदर आपको कुछ एग्जाम्पल्स नज़र आ रही है, जिसमें एक कीमत हम ले रहे हैं 25.5 सेंटीमीटर और दूसरी कीमत जो है वो है 0.04 सेंटीमीटर। पहली जो कीमत हमने मेजर की, जिस डिवाइस से मेजर की, उसका लीस्ट काउंट था 0.1 सेंटीमीटर, जबकि दूसरी जो हमने रीडिंग ली उसका लीस्ट काउंट था 0.01 सेंटीमीटर। ये जो लीस्ट काउंट है यही इसकी प्रिसीजन है। यानी यहाँ पर 0.1 सेंटीमीटर लीस्ट काउंट इसकी नस्बत 10 गुना ज़्यादा है, तो ये जो मेजरमेंट है इसकी प्रिसीजन जो है इससे 10 गुना काम कंसीडर की जाएगी। अब हम मेजर करते हैं परसेंटेज फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी। तो पहली मेजरमेंट की जो परसेंटेज फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी है वो 0.4% आ रही है। यानी यहाँ जो डिवाइस इस्तेमाल किया गया अगरचे लेस प्रिसाइज है, लेकिन यहाँ पर जो परसेंटेज फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी आ रही है उसकी कीमत कम आ रही है। ये यानी इसको हम एरर भी कहते हैं। तो इट मीन कि ये मेजरमेंट जो है ये एक्यूरेट कहलाएगी। इसकी आप देख रहे हैं एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी 0.1 सेंटीमीटर और जो इसमें एरर आई है या परसेंटेज फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी 0.4% है। अब हम दूसरी मेजरमेंट में देखते हैं, तो यहाँ आपके पास जो परसेंटेज फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी एरर आ रही है वो 2% आ रही है। यानी इसका जो लीस्ट काउंट था हमारे पास वो 0.01 सेंटीमीटर था और परसेंटेज फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी जो है 2.0% आई है। अब इन दोनों में क्या फ़र्क है, अगर इस पर गौर करें तो यहाँ हमारी प्रिसीजन कम है लेकिन एक्यूरेसी ज़्यादा है। लेकिन इस रीडिंग पे गौर करें, यहाँ प्रिसीजन ज़्यादा होने के बावजूद एक्यूरेसी कम है। तो इसकी वजह आपका ये ऑब्जेक्ट है जिसकी मेजरमेंट की जा रही है। अगर ऑब्जेक्ट का साइज़ कम हो जाएगा तो ये 0.01 सेंटीमीटर लीस्ट काउंट वाला डिवाइस जो कि इस डिवाइस की नस्बत जो कि 0.1 सेंटीमीटर वाला है उससे ज़्यादा प्रिसाइज होने के बावजूद इसमें आप देख रहे हैं परसेंटेज फ्रैक्शन अनसर्टेनिटी ज़्यादा हो गई है, यानी एरर ज़्यादा हो गई है। तो इसका रिजल्ट ये निकलता है कि जितनी ऑब्जेक्ट की वैल्यू या उसकी लेंथ या उसकी कीमत कम होती चली जाएगी, वो डिमांड करेगा कि उतना ही ज़्यादा प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट हमें इस्तेमाल करना चाहिए। तो कंक्लूजन में हम ये कह सकते हैं कि
द स्मॉलर ए फिजिकल क्वांटिटी, जितनी कोई क्वांटिटी छोटी होती चली जाएगी, द मोर परिसाइज इंस्ट्रूमेंट शुड बी यूज, तो उतना ही ज़्यादा परिसाइज इंस्ट्रूमेंट हमें इस्तेमाल करना चाहिए। अब हम देखते हैं कि परिसाइज और एक्यूरेट मेजरमेंट जो है इसमें डिफरेंस क्या होता है। तो परिसाइज मेजरमेंट क्या है, ए परिसाइज मेजरमेंट इज वन विच हैज लेस एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी या लीस्ट काउंट या परिसीजन, इसको हम कहेंगे परिसाइज मेजरमेंट का जो है एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी यानी लीस्ट काउंट कम से कम होगा तो उसकी परिसीजन ज़्यादा होती चली जाएगी। व्हाट इज एक्यूरेट मेजरमेंट, एन एक्यूरेट मेजरमेंट इज वन विच हैज लेस फ्रैक्शनल आर परसेंटेज अनसर्टेनिटी आर एरर। एक्यूरेट मेजरमेंट वो है जिसकी फ्रैक्शनल या परसेंटेज अनसर्टेनिटी या एरर कम होती है। तो जो पिछली हमने एग्जांपल पढ़ी थी उसमें अगर आप देखें तो 0.45 सेंटीमीटर वाली जो कीमत थी उसकी जो परिसीजन है वो 0.01 सेंटीमीटर है, तो ये रीडिंग जो है ज़्यादा परिसाइज है लेकिन लेस एक्यूरेट है, इसकी एक्यूरेसी कम हो गई है। जबकि जो दूसरी एग्जांपल हम देखें जो कि 25.5 सेंटीमीटर मेजरमेंट वाली है, इसका लीस्ट काउंट अगर जो ज़्यादा है यानी इसकी परिसीजन कम है लेकिन इसकी एक्यूरेसी ज़्यादा है। थैंक्स फॉर योर अटेंशन, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।